Hello guys, welcome to my channel. I'm Pallavi. I hope you all are doing well. So today I created this makeup look. So मैंने इसे दो तरीके से wear किया है, traditional and western look. So this is a traditional. It's totally up to you. आपको कैसे wear करना है. So this is a western. So चलिए guys, देखते हैं मैंने ये look कैसे create किया है. So let's get started. So मैं यहाँ start कर रही हूँ अपने eyebrow से. सो मैंने आईब्रो को फिल करने के लिए ये मेकअप क्रिएशन पैलेट में से ये ग्रे शेड लिया है एंड एक आईब्रो ब्रश की हेल्प से मैं इसे फिल कर लूँगी अच्छे से. एंड आप किसी भी पैलेट से, आप कोई भी ग्रे कलर या आपके आईब्रो के कलर के अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर चूज़ करके इसे बहुत ईजली फिल कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईब्रो पैलेट होना ही चाहिए. सो यहाँ मैंने अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लिया है. सो मेरी सेकेंड आईब्रो भी डन है और मैं इसी ब्रश के साथ जो स्पूली आती है मैं उसी से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट मैं अपने आईब्रो को सेट करने के लिए यहाँ ले रही हूँ कंसीलर एंड दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. एंड इसे मैं अपने आईलिड पर भी लगाऊँगी एंड अपने आईब्रो के एजेस को भी अच्छे से सेट करूँगी. एंड गाइज मैं ये पहली बार कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करने से बहुत डर लगता था. सो मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. आई होप अच्छा ही हो. सो मैं एक स्मॉल स्पंज की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. गाइज कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी न्यू ही ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं भी एक बिगनर ही हूँ. सो मैं एक न्यूड कलर लेके अच्छे से इसे शेड कर लूँगी. नेक्स्ट मैं यहाँ ये डार्क ऑरेंज शेड ले रही हूँ अपने क्रीज पे एज अ ट्रांजिशन शेड. एंड मैं इसे अच्छे से एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ. देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये ब्राउन शेड एंड इसे मैं अपने ऑरेंज कलर के जस्ट नीचे प्लेस करके ब्लेंड करूँगी. देन मैं यहाँ पिक कर रही हूँ ये ब्लैक शेड एंड मैं सेम ब्राउन शेड के साथ इसे ब्लेंड कर रही हूँ. मैं एक क्लीन ब्रश लेके अच्छे से अपने सारे एजेस को क्लीन कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे. देन मैं यहाँ डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर के लिए. सेम कंसीलर को लेके मैं एक फुल कट क्रीज ड्रॉ करूँगी अपने फुल आईलिड पे. एंड यहाँ मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है. अब मैं इसे सेम न्यू शेड से सेट कर लूँगी एंड मैं सेम ब्राउन शेड को हल्का हल्का अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ एजेस को क्लीन करने के लिए. देन मैंने यहाँ गोल्डन शेड लिया है जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ इसे मैं पूरे आईलेट पे प्लेस करूँगी. एंड गाइस ये जो पैलेट है जिसे मैंने अभी यूज़ किया है इसमें जितने भी मैट शेड है वो बहुत ही पाउडरी हैं. वो बिल्कुल भी अच्छे से यूज़ आप नहीं कर सकते हो. अगर आप उस पर ब्रश यूज़ करोगे तो वो सारे निकल जाते हैं. तो लेकिन इसमें जो सिमरी शेड है वो यूज़ करने लायक है तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ. देन मैं यहाँ ग्लिटर पैलेट से ये ग्लिटर ले रही हूँ गोल्डन ग्लिटर. इसे मैं अपने आईलेट पे प्लेस करूँगी. देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये आईलाइनर. दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन एंड मैं एक सुपर विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी. एंड गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा. एंड गाइज़ आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है.
सो प्लीज़ लाइक करें। सो यार देन मैं यहाँ लेस कर्लर यूज़ कर रही हूँ। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मस्कारा एंड दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन एंड ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। सो इसे मैं बस एक से दो कोट लगाऊंगी। देन मैंने यहाँ फॉल्सेस अप्लाई कर लिए हैं। सो यार एंड देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जॉय का मॉइस्चराइज़र। मैंने यहाँ अपना बेस मेकअप स्टार्ट कर दिया है एंड इसे मैं अच्छे से अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का सीरम एंड ये बहुत ही अच्छा सीरम है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरम है। एंड गाइस अगर आपने मेरे फॉल्स लैसेस के वीडियो नहीं देखे हैं कि फॉल्स लैसेस कैसे लगाएं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। सो देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। एंड गाइस आप अपने सीरम को अच्छे से फेस में एब्जॉर्ब होने दें उसके बाद ही प्राइमर लगाएं। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये फिटमी का फाउंडेशन एंड मेरा शेड है 128 एंड इसमें मैंने हल्का सा एलोवेरा जेल भी मिक्स किया है ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो ईजिली अप्लाई हो एंड थोड़ा सा शाइनिंग भी दे मेरे फेस पे। एंड गाइस मेरी स्किन ड्राई है तो वो थोड़ा मैट हो जाता है तो उसमें भी वो हेल्प करेगा। तो इसे मैंने अपने सारे फेस पे लगा लिया है। देन मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड गाइस आप देख सकती हो कितना ईजिली ब्लेंड भी हो रहा है एलोवेरा जेल मिक्स करने के बाद। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो या इट्स डन। देन मैं यहाँ सेम कंसीलर ले रही हूँ एंड इसे मैं अपने फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज एंड अपर लिप्स पे एंड अपने क्यूपिड बोन्स पे एंड अपने अंडर आइज पे मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। एंड अगर आपके कहीं डार्क स्पॉट्स है तो आप वहाँ भी इसे यूज़ करते हो कर सकते हो। सो मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया। एंड गाइस ब्लेंडिंग अच्छे से करें, डैब मोशन में करें। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट। एंड इसे मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ इसे अच्छे से लगा लूँगी ताकि वहाँ क्रीज लाइन ना पड़े। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये ब्राउन शेड अपने फेस को कॉन्टोर एंड ब्रॉन्ज अप करने के लिए। एंड गाइस अपने फेस को कॉन्टोर एंड हाईलाइट कैसे करते हैं मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो यार मैं अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी। एंड गाइस कॉन्टोरिंग करने के बाद जो आपका फेस का शेप है वो बहुत अच्छे से निखर के आता है क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने फेस पे बेस लगाते हैं फाउंडेशन लगाते हैं तो वो बहुत ही एकदम स्ट्रेट हो जाता है, प्लेन हो जाता है। सो कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्ज अप करने के बाद वो जो शेप है आपका जो शार्पनेस है वो फिर से निखर के आता है। सो यहाँ मैंने अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर लिया है। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पीची शेड अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पे थोड़ा कलर देने के लिए। एंड गाइस मैं यहाँ पे सेम कॉम्पैक्ट से हल्का से स्पंज में लेके अपने जो कॉन्टोरिंग के एजेस है उसे शार्प कर रही हूँ ताकि वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। नेक्स्ट मैं यहाँ ब्राउन कलर लेके अपने लोअर लेस लाइन पे स्मज कर रही हूँ। देन मैंने ब्लैक शेड लिया है एंड उसे भी मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से स्मज कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ लिया है ये रोज़ वाटर, दिस इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स एंड इसे मैंने अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लिया है एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सबको अच्छे से मैं प्रेस कर लूँगी।
देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, एंड इसे मैं अपने सारे हाइलाइटिंग एरिया पे लगा लूँगी, अपने टिप ऑफ द नोज़, चिक बोन्स पे एंड फॉरहेड पे। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन की लिपस्टिक इन द शेड न्यूड। सो मैंने यहाँ दो लिपस्टिक यूज़ किया है क्योंकि मैंने यहाँ दो तरीके से अपने मेकअप को वेयर किया था। सो ये है वेस्टर्न एंड दिस इज़ द ट्रेडिशनल। सो ट्रेडिशनल के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है ये रेड लिपस्टिक, ये लैक्मे की लिपस्टिक है। सो मैंने अपने ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ एक बिंदी एंड एक बनारसी दुपट्टा वेयर किया है। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें।